Good morning to all of you. Myself, Dr. Brij Bhanyado, Assistant Professor of Life Science. Today, we'll discuss another most important topic of the CSIR, Life Science, that is R-selected and K-selected species and Graves Triangle Model. कि जैसा कि मेरा का पिछला वीडियो अगर आप देखें तो मैंने आर सिलेक्टेड के सिलेक्टेड के बारे में बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी और मैंने उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड स्पीसीज के बारे में. आज हम उसी लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए सेकेंड पार्ट में आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड स्पीसीज के और भी करेक्टर्स देखेंगे और साथ साथ ग्रीम्स ट्राइंगल मॉडल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे. इस तरह से आप देखेंगे कि अगर आप सीएसआईआर का एग्जाम देखें, लाइफ साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस पेपर्स को देखें तो आप पाएंगे कि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इस पर आया हुआ है. हर दूसरे एक साल के बाद दूसरे ईयर में ये क्वेश्चंस आ ही जाता है और बहुत सारे एग्जाम्स अगर आप देखें नीट का, टीजीटी पीजीटी का, किसी भी एग्जाम में देखें, अगर इकोलॉजी के सेक्शन से क्वेश्चन की बात करें तो जरूर आर सेलेक्टेड के सेलेक्टेड ग्रीम्स ट्रायंगल मॉडल और आर सेलेक्टेड के सेलेक्टेड के एग्जाम्पल्स पूछ ही लेता आपसे एग्जाम में. तो ये लेक्चर का सेकेंड पार्ट होगा जिसमें मैं आर सेलेक्टेड के सेलेक्टेड के बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा. अगर आपने पहले लेक्चर्स के बारे में इन्फॉर्म नहीं सुना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें आर सेलेक्टेड और के सेलेक्टेड के बारे में. आज हम इसके बारे में और आगे डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो सेक्शन के अंदर. आर सेलेक्टेड के सेलेक्टेड के और डिफरेंट करेक्टर्स क्या हैं, साथ साथ ये बताने का प्रयास करूँगा कि ग्रीम्स ट्राइंगल मॉडल क्या है, ग्रीम्स साहब ने ट्राइंगल मॉडल्स क्यों दिया, जो आर सेलेक्टेड के सेलेक्टेड स्पीसीज में ऐसी क्या बातें थी कि ग्रीम्स ट्राइंगल मॉडल को आना पड़ा. तो आज हम डिटेल से इसके बारे में चर्चा करेंगे. साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत सारे हम देखेंगे जो क्वेश्चंस आपके सीएसआईआर एग्जाम में आए और दूसरे एग्जामों में आए हैं, उनको डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे. तो लेट्स टॉक अबाउट द आर सेलेक्टेड एंड के सेलेक्टेड स्पीसीज. हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स पे बात किया था आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड स्पीसीज के बारे में बात किया था. जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप थोड़ी सी मैं रिमाइंड कर दूं स्लाइड्स पे, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दो वर्ड्स हैं जो डिटेल से मैंने पिछले लेक्चर में इस पर चर्चा कर दी थी. थोड़ी सी मैं समरी बताते हुए आगे बढ़ता हूँ. तो लास्ट पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने चर्चा की थी कि दो तरह की वर्ड्स हैं, एक थ्रसिस, दूसरा स्ट्रॉम पेट्रल्स. जो थ्रसिस था, थ्रसिस बर्ड थी, उसके पास क्या था, उसकी लाइफ साइकिल कहते हैं कि 3 से 4 साल की थी, 3 से 4 इयर्स की थी. और आपने देखा कि 3 से 4 साल की इसकी लाइफ साइकिल है और आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद देखेंगे ये क्या करता, 3 से 4 यंग वॉन्स प्रोड्यूस करता है, 3 से 4 यंग वॉन्स प्रोड्यूस करता रहता है. ये 3 से 4 यंग वॉन्स प्रोड्यूस करता रहता है, 1 ईयर होता है और 3 से 4 यंग वॉन्स प्रोड्यूस करता था. आपने देखा कि लाइफ साइकिल जो आपका थ्रसिस बर्ड है, इसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी है, 3 से 4 साल है और 1 साल के बाद ही देखते हैं 3 से 4 यंग वॉन्स प्रोड्यूस करता है. तो मैंने आपको बताया था कि लाइफ साइकिल प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, बेसिकली 2 बेस्ड पे होती है, एक रिप्रोडक्टिव बेस्ड होती है, दूसरा ग्रोथ बेस्ड लाइफ साइकिल होती है. आपने देखा कि थ्रसिस की लाइफ साइकिल बहुत छोटी है, 3 से 4 साल है. साथ साथ आपने ये देखा कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, 3 से 4 प्रोड्यूस कर रहा है पर ये. और दूसरा एक आपका है स्टॉर्म पेट्रल, एक ये बर्ड्स है स्टॉर्म पेट्रल बर्ड्स है, जिस बर्ड्स को आप देख रहे हैं इसकी लाइफ साइकिल 30 से 40 ईयर्स है, 30 से 40 साल की है. और ये बर्ड्स क्या कर रही है, 30 से 40 साल की है और इसकी लाइफ साइकिल को देखते हैं कि ये क्या करता है, आफ्टर 4 और 5 ईयर ओल्ड, 4 से 5 साल बाद क्या करता है, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता रहता है. और कहते हैं कि एक या दो इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, 1 3 से 4 प्रोड्यूस करता है. इस तरह से आपने देखा दो तरह की बर्ड्स आपको मिली. एक आपको स्ट्रॉन्ग पेट्रल है जो क्या करता है, 30 से 40 साल लाइफ साइकिल जीता है और नंबर ऑफ इंडिविजुअल 1 प्रोड्यूस करता है 3 से 4 साल बाद. वहीं दूसरे थ्रसिस को जो आपको देखें, थ्रसिस बर्ड है इसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल 4 होती है. तो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में डिटेल से चर्चा आपसे की थी इसके बारे में, आज मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ. तो आपको मैंने बताया था कि जिनकी लाइफ साइकिल छोटी हो,
जिनकी लाइफ साइकिल छोटी है, जैसे थ्रस्टस बर्ड की, इसकी लाइफ साइकिल छोटी है, और इसकी लाइफ साइकिल छोटी होने के साथ साथ क्या नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसे एनिमल्स जिनकी लाइफ साइकिल छोटी होती है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, इनकी लाइफ साइकिल रिप्रोडक्शन बेस्ड लाइफ साइकिल कहलाती है। क्यों? इनकी लाइफ साइकिल में पैरेंटल केयर का अभाव होता है या बहुत कम पाया जाता है, और ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म, जो ऐसी बर्ड्स जो थ्रसेस हैं, इस तरह के ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में चूंकि खतरे बहुत ज़्यादा होते हैं, इंडेंजर बहुत ज़्यादा होता है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। मोस्ट ऑफ एनर्जी, अपने लाइफ की पूरी एनर्जी, मोस्ट ऑफ एनर्जी जो होती है यूटिलाइज इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब अपनी पूरी एनर्जी केवल रिप्रोडक्शन में लगाती हैं ताकि इनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं ताकि अगर खतरे आए, एंडेंजर्ड आए, एक दो स्पीसी, दो चार स्पीसी, दो चार इनकी पॉपुलेशन डेथ कर जाए, इसके बाद भी कुछ बच जाए बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए। इसलिए सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के लिए जिनकी लाइफ साइकिल छोटी होती है, पैरेंटल केयर का अभाव होता है, उनकी लाइफ साइकिल में एंडेंजर्ड जोन खतरे ज़्यादा होते हैं, ऐसी स्पीशीज अपनी लाइफ साइकिल में रिप्रोडक्टिव बेस्ड लाइफ साइकिल को यूज करते हैं। वो मोस्ट ऑफ एनर्जी, अपनी पूरी मैक्सिमम एनर्जी कहाँ यूज करते हैं? रिप्रोडक्शन में, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने का प्रयास करते रहते हैं ताकि उनकी बायोडायवर्सिटी मेंटेन रहे। अगर कोई भी इंडेंजर जोन है, प्रेडेटर उन पर हमला करता है, तो कुछ कुछ न कुछ पॉपुलेशन उनकी बची रह जाए, अगर खतरे के बाद भी कुछ न कुछ पॉपुलेशन बची रह जाए ताकि अपनी बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करें। ऐसी प्रजाति को कहते हैं आर सेलेक्टेड स्पीसीज, इसे कहते हैं आर सेलेक्टेड स्पीसीज। ये कौन होती है? आर सेलेक्टेड स्पीसीज होती हैं, और इनके बारे में कहा जाता है आर सेलेक्टेड स्पीसीज जो होती हैं दे आर द रिप्रोडक्शन बेस्ड, ये कैसी होती हैं? रिप्रोडक्शन बेस्ड लाइफ साइकिल होती हैं, रिप्रोडक्शन बेस्ड लाइफ साइकिल होती हैं। वही दूसरी जो मैं आपको बताया था स्टॉर्म पेट्रल, ये ऐसी बर्ड्स हैं जिसकी लाइफ साइकिल लंबी होती है, लॉन्ग लाइफ साइकिल होती है, लंबा लाइफ साइकिल होती है। देखिए लंबी लाइफ साइकिल जीते हैं, 40 से 45 साल ये बर्ड्स जी रही है। इसकी लाइफ साइकिल में देखते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक प्रोड्यूस हो रहा है, 4-5 साल बाद एक प्रोड्यूस हो रहा है। तो इनकी लाइफ साइकिल में क्या होता है? इनकी लाइफ साइकिल ग्रोथ बेस्ड होती है, ध्यान रखिएगा। एक मैंने आर सेलेक्टेड बताया जो रिप्रोडक्शन बेस्ड लाइफ साइकिल होती है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिनकी लाइफ साइकिल बड़ी होती है, जिनकी लाइफ साइकिल में पैरेंटल केयर ज़्यादा होता है, जिनकी लाइफ साइकिल में प्रेडेटर के हमले कम होते हैं, एंडेंजर जोन कम होता है, ऐसी स्पीसीज कहलाती है के सेलेक्टेड स्पीसीज होती है। जो के सेलेक्टेड स्पीसीज होती है उनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है? ग्रोथ बेस्ड होती है, ग्रोथ बेस्ड उनकी लाइफ साइकिल होती है, जो कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर पे ये डिटेल्स इसके बारे में चर्चा की थी। तो आपने देख लिया कि प्रजाति दो तरह की स्पीसीज पाई जाती हैं, एक आर सेलेक्टेड स्पीसीज, दूसरा के सेलेक्टेड स्पीसीज। जो आर सेलेक्टेड स्पीसीज होती है उनके कुछ करेक्टर्स होते हैं जो आपके सभी एग्जाम में आते रहते हैं, CSIR में, TGT PGT में, नीट के पेपर में अगर आप देखें तो हमेशा क्वेश्चन यहाँ से आपके आते रहते हैं। गुड मॉर्निंग ज्योति गुप्ता, गुड मॉर्निंग विभाजी, गुड मॉर्निंग दिव्या तिवारी, गुड मॉर्निंग वैशाली सरोज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इसके बारे में डिटेल से बात कर रहे हैं, आप लोग देखें, आप लोग लाइव हैं, वेलकम। देखिए आप लोग, मैं बात कर रहा था आर सेलेक्टेड और के सेलेक्टेड, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने इससे डिटेल से चर्चा की है। तो जो भी लोग भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, सब्सक्राइब कर लें चैनल्स को और ज़रूर देखें। आप चाहे किसी भी एग्जाम को दें, अगर इकोलॉजी सेक्शंस की बात करें तो ज़रूर यहाँ से क्वेश्चंस आपके आता है, चाहे सिविल सर्विसेज हो वहाँ पर भी इन्वायरमेंट, इकोलॉजी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आते रहते हैं, चाहे बायोलॉजिकल साइंस का कोई भी एग्जाम हो, अगर इस एग्जाम में इकोलॉजी सेक्शन से कोई क्वेश्चन आता है तो एक मेजर एरिया आपका है इन्वायरमेंट्स में, इस आर सेलेक्टेड के सेलेक्टेड स्पीसीज, ट्रायंगल मॉडल, बायोडायवर्सिटी से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो हमने देखा क्या कि दो तरह की हमको मिली, एक आर सेलेक्टेड स्पीसीज, दूसरा के सेलेक्टेड। जो आर सेलेक्टेड स्पीसीज होती हैं उनकी लाइफ साइकिल छोटी होती है, उनके लाइफ साइकिल में खतरे ज्यादा होते हैं, प्रेडेटर के हमले ज्यादा होते हैं, पैरेंटल केयर का अभाव होता है, तो
अपनी लाइफ साइकिल में पूरा वो ध्यान देते हैं रिप्रोडक्शन बेस्ड पे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल को बढ़ाने का प्रयास करते हैं ताकि बायोडायवर्सिटी को मेंटेन रखे। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी प्रजाति है जिसकी लाइफ साइकिल बहुत लंबी होती है, उनको इंडेंजर जोन कम मिलता है, खतरा कम होता है, प्रेडेटर्स के हमले कम होते हैं, चूँकि पैरेंटल केयर बहुत ज़्यादा होते हैं तो यंग वंस बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं। जो यंग वंस प्रोड्यूस कम करते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम प्रोड्यूस करते हैं, उनके पैरेंटल केयर बहुत ज़्यादा देते हैं, उनके क्या है उनके डेवलपमेंट में, उनके ग्रोथ पे वो ज़्यादा ध्यान देते रहते हैं, उनको क्या करते हैं उनके रख रखाव में ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि केवल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज़्यादा प्रोड्यूस करना है। तो दो तरह की स्पेशल नेचर हमको मिलती है, आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड, जैसा कि मैंने डिटेल से पिछले लेक्चर में चर्चा की थी। आगे मैं बढ़ता हूँ, आप देखेंगे मैंने पिछले लेक्चर्स पे भी चर्चा की थी आर सिलेक्टेड के सिलेक्टेड के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे आपको, तो आपको मैं यहाँ का फिर से एक बार आउटलाइन देते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो देखेंगे आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड की जब हम बात करते हैं तो आपने देखा कि यहाँ पे मैंने कुछ करेक्टर्स बताए थे मैंने आपको, जैसे बताया था कि आपको क्या करना है कि ये सिलेक्टेड एक तरफ दिया है, एक तरफ आर सिलेक्टेड दिया हुआ था। मैंने पिछले लेक्चर पर चर्चा की थी सब टॉपिकों की, फिर से आगे बढ़ाते हुए ट्राइंगल मॉडल की तरफ बढ़ूंगा। देखेंगे के सिलेक्टेड की लाइफ साइकिल क्या होती है, लॉन्ग लाइफ साइकिल। मैंने चूंकि आपको बताया है कि के सिलेक्टेड के बहुत सारे एग्जाम्पल नेचर से आपको मिल जाएंगे, उनमें एक एग्जाम्पल मैं ऐसा बता रहा हूँ जो आप कंपेयर करते समय अपने दिमाग में अगर रखेंगे तो शायद 80% क्वेश्चन चाहे एग्जाम किसी का हो आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे आर सिलेक्टेड जिसकी लाइफ साइकिल छोटी होती है उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ इंसेक्ट, के सिलेक्टेड जिसकी लाइफ साइकिल लंबी होती है उसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ ह्यूमन बींग, हम लोग, हम आप खुद एक क्या है के सिलेक्टेड स्पीसीज के एग्जाम्पल है, एक इंसेक्ट है। दोनों की लाइफ साइकिल को मोर और लेस आप देखे हुए हैं, अगर इनको कंपेयर मैं कर रहा हूँ इनके लाइफ साइकिल के बारे में आप सोचिए तो आप देखेंगे जो क्वेश्चंस आएंगे ना मोर और लेस जो भी करेक्टर मैं बोलूंगा वो लाइफ साइकिल में आपको मिलता जुलता मिलेगा। जैसे के सिलेक्टेड की लाइफ साइकिल क्या होती है, लंबी होती है। देखिए हमारी लाइफ ह्यूमन बींग की लाइफ साइकिल क्या होती है, 90, 100 साल, 110 साल, तो बहुत लंबी लाइफ साइकिल हम जीते हैं। आर सेक्टर की लाइफ साइकिल क्या होती है, 60 होती है। इंसेट की लाइफ साइकिल कितनी छोटी होती है, 2 से 3 मंथ, 1 महीने 2 महीने 3 मंथ, ये बहुत छोटी लाइफ साइकिल जीते हैं। दूसरी बात कहता है स्लो ग्रोथ और ये रैपिड ग्रोथ, यानी के सिलेक्टेड स्पीसीज की लाइफ साइकिल चूँकि बहुत लंबी होती है ग्रोथ इनकी स्लो होती है क्योंकि धीरे धीरे डेवलपमेंट करते रहते हैं। और आर सेलेक्टेड में क्या है, किसी इंसेक्ट की लाइफ साइकिल को आप स्टडी करें तो आप पाएंगे कि आर सेलेक्टेड लाइफ साइकिल को अगर स्टडी करें तो उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, 2 से 3 मंथ की होती है, 1.5 मंथ की, 1 मंथ की होती है, क्योंकि उतने ही समय में उसको पूरे अपनी पूरे डेवलपमेंटल प्रोसेस को कंप्लीट करना है, उतने ही टाइम में क्या है एग्स को प्रोड्यूस करेगा, लार्वा का डेवलपमेंट करेगा, हैशिंग करेगा, फिर डेवलपमेंट करेगा और कंप्लीट लाइफ साइकिल करेगा, 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर ले रहा है, तो ये क्या है ग्रोथ बेस्ड, उसकी ग्रोथ क्या होगी बहुत फास्ट होती रहती है क्योंकि और नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है तो ग्रोथ रेट उसकी क्या आता है जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल उसकी आती रहती है। तीसरा करेक्टर करता है लेट मैच्योरिटी, इसका कह रहा अर्ली मैच्योरिटी होता है, आपको बताया ना कि ग्रोथ स्लो होगी मैच्योरिटी क्या होगी लेट होगी। एक के सिलेक्टेड व्यक्ति है जो देखिए ह्यूमन बींग है जिसका क्या है मैच्योरिटी बहुत टाइम आती है, मैच्योरिटी का मतलब देखिए वो क्या कर रहा है 20 से 30 साल में मैच्योर हो रहा है, तो मैच्योरिटी टाइम लेता है, ग्रोथ लेट स्लो है तो मैच्योरिटी रेट क्या है ज़्यादा होता है, ह्यूमन बींग का देखिए मैच्योरिटी रेट कितना लेट है। वहीं एक इंसेक्ट की लाइफ साइकिल देखिए 2 से 3 मंथ है, उसकी मैच्योरिटी लाइफ क्या है बहुत जल्दी 1 महीने में ही कंप्लीट करना है, तो लार्वा बनता है, तो प्यूपा बनता है, तो क्या होता है मार्फोसिस करता है, मेटामार्फोसिस करता है और कंप्लीट बनके एक इंसेक्ट तैयार हो जाता है, कितने कम समय अपनी लाइफ साइकिल को मैच्योरिटी को प्राप्त कर लेता है, तो ये केस ये आर सिलेक्टेड स्पीसीज की पहचान। अगले करेक्टर साहब का फ्यू लार्ज ऑफ स्प्रिंग और ये क्या करता है मेनी लार्ज स्मॉल ऑफ स्प्रिंग, मैंने बताया था के सिलेक्टेड स्पीसीज के बारे में सुनिए, के सिलेक्टेड स्पीसीज की लाइफ साइकिल में क्या होता है पैरेंटल केयर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है ग्रोथ बेस्ड होती है। के सिलेक्टेड की लाइफ साइकिल कैसी होती है ग्रोथ बेस्ड होती है, ग्रोथ बेस्ड होती है, मैंने आपको बताया था ग्रोथ बेस्ड होती है, और इसकी कैसी होती है रिप्रोडक्शन बेस्ड होती है, रिप्रोडक्शन बेस्ड होती है। तो मैंने आपको बताया है कि जो के सिलेक्टेड स्पीसीज है उसमें पैरेंटल केयर बहुत ज़्यादा होता है तो और इंडेंजर जोन कम होता है
और प्रेडेटर के हमले कम होते हैं क्योंकि वो क्या है, पैरेंटल केयर करता है, अपने बच्चों को जो जो भी बच्चे प्रोड्यूस करता है उसका पूरा ध्यान रखता है, उसी के आसपास रहता है। ऐसे केस रिलेटेड स्पीसीज को देखेंगे, उनके बच्चों को आप छू भी नहीं सकते हैं। अगर उनके पास आप चले जाइए, किसी भी डॉग्स को देख लीजिए, उसके पास चले जाइए, उसके बच्चे को आप छू के देख लीजिए, आप पे हमला कर देगा। यानी प्रीडेटर से भी वो बचाने के लिए पैरेंटल केयर करता वहीं आसपास रहता है। चूंकि के सेलेक्टेड स्पीसीज की लाइफ साइकिल में हमले कम होते हैं, एंडेंजर्ड जोन कम होता है, साथ साथ क्या होता है, चूंकि उनके पास पैरेंटल केयर ज़्यादा होता है तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम प्रोड्यूस करते हैं। जो भी प्रोड्यूस करते हैं, एक या दो प्रोड्यूस करते हैं, उनका पूरा रख रखाव करते हैं, पैरेंटल केयर करते हैं। तो इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है, ग्रोथ बेस्ड होती है, ये रिप्रोडक्शन पे नहीं ध्यान देते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज़्यादा प्रोड्यूस करने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, सिर्फ चाहते हैं कि जितना भी प्रोड्यूस हो उसका पूरा ध्यान रखा जाए, उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया जाए और उतने से ही इनकी बायोडायवर्सिटी मेंटेन हो जाती है। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या करते हैं, कम प्रोड्यूस करते हैं। वहीं जो आर सेलेक्टेड होता है, हाई नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल में खतरे ज़्यादा होते हैं, चूंकि इनके प्रेडेटर्स हमले ज़्यादा होते हैं, साथ साथ चूंकि ये एक्स प्रोड्यूस करते हैं। इंसेक्ट की लाइफ साइकिल को देखिए, एक्स प्रोड्यूस करता वहाँ से दूर चला जाता है, अब एक्स प्रोड्यूस करके वहाँ पैरेंटल केयर है नहीं, वहाँ अपने खुद प्रेजेंट नहीं है, अपना एक प्रोड्यूस यहाँ किया और चल दिया। ऐसे में कोई भी प्रेडेटर आएगा, हमला करेगा, उसके एग्स को पूरा खा जाएगा और डिस्ट्रॉय कर देगा, जो कुछ बचा वही उसकी लाइफ साइकिल को, उसकी बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करता है। इसलिए ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, इनकी लाइफ साइकिल रिप्रोडक्शन बेस्ड होती है और पूरा इनका एनर्जी इन्वॉल्व कहाँ होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने में, ताकि बायोडायवर्सिटी को मेंटेन कर सकें। अगर दो चार मर भी जाए, 100 मर जाए, तब भी इंसेक्ट में देखेंगे कुछ ना कुछ एग्स बचा रहेगा, लार्वा का नोट होगा, आगे क्या करेगा, न्यू इंसेक्ट तैयार कर देगा। इस तरह से देखेंगे कि आप देखिए आज पृथ्वी पे सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, अगर आप देखें इंसेक्ट की, क्यों, उनका यही स्ट्रेटजी आर सेलेक्टेड से, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इतना ज्यादा प्रोड्यूस करता है कि वो सारे के सारे जब अगर यंग वंस मैच्योर होते रहते हैं इतना एंडेंजर्ड जोन के बाद भी, तो उनकी बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। आज भी सबसे ज्यादा अर्थ पे किसकी संख्या है, इंसेक्ट की है, आर्थ्रोपोड्स की है। अगला देखिए कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट, हाई पैरेंटल केयर्स एंड लिटिल पैरेंटल केयर आर प्रोटेक्शंस। मैंने कहा था ना कि के सेलेक्टेड स्पीसीज क्या होता है, उसकी लाइफ साइकिल में पैरेंटल केयर बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारा ह्यूमन बींग एग्जाम्पल मैंने लिया, हमारे मदर फादर कितना हमको ध्यान रखते हैं, एक बच्चा पैदा होता है उसका पूरा केयर टेकर रहते हैं, उसको डॉक्टर के पास ले जाना, उसकी सारे इलाज को करना, इवन इतना पैरेंटल केयर करते हैं कि जब तक बच्चा अपने पैर पे खड़ा नहीं हो जाता है तब तक उसका ध्यान रखते रहते हैं, जिस दिन वो जब तक वो जॉब ना पा जाए, इतना पैरेंटल केयर रखते हैं, पूरी लाइफ उसका ध्यान रखते रहते हैं। इस तरह का पैरेंटल केयर जिसके पास ज़्यादा हाई होता है वो केस सेलेक्टेड स्पीसीज होता है। चूंकि पैरेंटल केयर ज़्यादा होता है तो इसलिए मैंने कहा कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम प्रोड्यूस करता है और पैरेंटल केयर हाईएस्ट होता है। दूसरा आप देखिए, लिटिल पैरेंटल केयर की मैंने बात किया था, इंसेक्ट की लाइफ साइकिल में पैरेंटल केयर बहुत कम होता है या क्या होता है, अभाव होता है, अब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ही एग्स प्रोड्यूस करता है वहाँ से दूर चला जाता है, प्रेडेटर के हमले ज़्यादा होते हैं और इसमें कुछ बच गए तो वही क्या करते हैं, जो बच गए प्रेडेटर से वही क्या होता है, अपनी बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। तो हाई पैरेंटल केयर, लो पैरेंटल केयर, तो ये लो पैरेंटल केयर या अब्सेंट पैरेंटल केयर कहाँ पर आता है, असेलेक्टेड स्पीसीज के अंदर आता है। फिर मैं आगे चर्चा करूँगा, मैंने इसको बता दिया था पिछले लेक्चर्स पे भी बताया था, ये सब बातें किया था, इसी को बढ़ते हुए आगे बढ़ता हूँ, ग्रेंस ट्रायंगल मॉडल की तरफ बढ़ूंगा। अभी आप देखेंगे तो आपको ये बात ध्यान रखना है, ये सारे एग्जाम में आता है, हाई पैरेंटल केयर, लो पैरेंटल केयर, इन करेक्टर्स को ध्यान रखें। देखिए अगला कहता है हाई इन्वेस्टमेंट इन द इंडिविजुअल ऑफ स्प्रिंग, लिटिल इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल ऑफ स्प्रिंग, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। जो केस सेलेक्टेड स्पीसीज होता है वो पूरा अपना ध्यान पैरेंटल केयर अपने ऑफ स्प्रिंग के प्रोटेक्शन में लगाता रहता है, वहीं रहता है, जैसे ह्यूमन बींग आप देख सकते हैं। आर सेलेक्टेड में क्या होता है, यंग वन प्रोड्यूस कर रहा है और वहाँ से दूर चला कर रहा है, तो अपने बच्चों को कहाँ ध्यान दे रहा है, पैरेंटल केयर कर ही नहीं रहा है, तो इसलिए क्या होता है, लिटिल पैरेंटल केयर होता है। एडाप्टेड टू द स्टेबल इन्वायरमेंट्स, एडाप्टेड टू द अनस्टेबल इन्वायरमेंट। देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो के सेलेक्टेड स्पीसीज होते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर से चर्चा किया था, किसी भी सक्सेशन में आप देखिए, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ, किसी भी सक्सेशन का जो तीन फेज होता है, अर्ली फेज, मिड फेज और लेट फेज होता है, अर्ली फेज, मिड फेज और लेट फेज होता है। मैंने आपको बताया कि शुरुआत में किसी भी सक्सेशन पे वो क्या होता है, एक ऐसा एरिया होता है, बेयर एरिया होता है, जैसे राजस्थान का रेगिस्तान, वहाँ जो सबसे पहले सीड जाएगा, जो सबसे पहले वहाँ सीड जाएगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस फील करेगा,
एडवर्स कंडीशन है, राजस्थान का रेगिस्तान है, वहाँ जर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा, बारिश होगी कि नहीं होगी, टेम्परेचर बहुत हाई होगा, तो उसको स्ट्रेस फील होगा। वो धीरे धीरे अडाप्ट कर गया माले सीड, जर्मिनेट कर गया, ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, हर्ब से श्रब बनाएगा, श्रब से क्या बनाएगा, ट्री बनाएगा। आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो क्या करेगा, आप देखेंगे कि आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर पे ही चर्चा की थी इसके बारे में, इसके बारे में डिटेल से चर्चा की थी, मैंने आपको बताया था किसी भी सक्सेशन का एक अर्ली फेज होता है, एक अर्ली फेज, एक मिड फेज होता है, मिड फेज एक होता है, लेट फेज होता है। मैंने आपको बताया था अर्ली फेज, मिड फेज और लेट फेज के बाद आपको बताया था कि मैंने आपको बताया था अर्ली फेज मिड फेज लेता है, शुरुआत में मान ली कोई राजस्थान का रेगिस्तान है, वहाँ पे कोई सीड जर्मिनेट कर रहा है, तो अगर वो पहले स्ट्रेस कंडीशन में रहेगा, जब वह एडाप्ट कर गया, अगर वो एडाप्ट कर गया वहाँ पे, तो नंबर ऑफ मतलब आप सीडलिंग क्या होगा, जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करेगा, मान लीजिए सीड यहाँ पे आ गया और ये जर्मिनेट करके एक प्लांट बना दिया, फिर मिड फेज में देखिए क्या, थोड़े बड़े प्लांट पर श्रब्स बना लेगा, और जो लेट फेज में आता है पूरे हर्ब्स श्रब्स पूरे ट्री बन जाएगा, यानी फॉरेस्ट बना लेगा, फॉरेस्ट बना लेगा, ये श्रब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हर्ब्स श्रब्स एंड ट्री फॉरेस्ट, यहां पे तीन हो जाएगा, हर्ब्स श्रब्स ट्री मोस्ट स्टेबल है, लिस्ट स्टेबल, थोड़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेशन में अगर आप देखें तो एक अर्ली फेज है, एक मिड फेज है, लेट फेज है। अब सक्सेशन में देखिए सबसे लास्ट में कौन सी आती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है, आपने पढ़ा होगा कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है, और लास्ट में आप देखते हैं जो लास्ट में जैसे, क्योंकि ये राजस्थान का शुरुआत का मैंने ग्राफ किया है, सक्सेशन का मैंने ग्राफ किया है, तो सबसे जो सीडलिंग सबसे पहले राजस्थान के रेगिस्तान में गया, ड्राई कंडीशन में गया, उसको ही सबसे स्ट्रेस ज़्यादा फील करना पड़ेगा। जब वो ज़्यादा स्ट्रेस फीलेगा, एडाप्ट कर गया, तो सीडलिंग जर्मिनेट करेगा, फिर कुछ प्लांट्स डेवलप करेंगे, हर्ब्स बनाएगा, फिर आगे श्रब्स बनाएगा, बाद में पूरा ट्री बदल के पूरा फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता है कि धीरे धीरे यहाँ पे वो प्लांट्स ग्रो करेंगे, इस क्रम से वो करेंगे जो धीरे धीरे आपको उसको एडजस्ट करते जाएंगे। लास्ट में देखेंगे आप अगर लेट फेज में देखें तो वहां पे सक्सेशन में पूरा फॉरेस्ट डेवलप हो जाएगा, कभी जो रेगिस्तान था वहां पे क्या है, एक पूरा फॉरेस्ट डेवलप कर चुका है। तो इसका मतलब कि जो लास्ट के जो लेट फेज के जो प्लांट्स होंगे पूरा फॉरेस्ट होगा, दे आर मोर एडाप्टेड, उस एनवायरमेंट में अडाप्ट कर गए होंगे, वहां कंपटीशन का लेवल क्या होगा, हाई कंपटीशन होगा, हाई कंपटीशन होगा, आपको पता ना हाई कंपटीशन होगा इनके पास, साथ साथ क्या होगा, देखिए साथ साथ हाई कंपटीशन होगा और मोस्ट स्टेबल, क्योंकि ज्यादा अडाप्ट करेंगे उस नेचर एनवायरमेंट में, तभी तो प्लांट वहां सर्वाइव कर रहा है, पूरा जंगल में सारे प्लांट्स अडाप्ट कर जा रहे हैं, और साथ साथ क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है, मोस्ट स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है, जो रिप्लेस किया जा नहीं सकता है। सक्सेशन का लास्ट स्टेज जो होता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है, दैट कैन नॉट बी रिप्लेस बाय द अनदर सक्सेशंस, मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी है। तो एक पॉइंट आपको यहाँ ध्यान रख लेना है, आर सेलेक्टेड जो होता है, आर सेलेक्टेड स्पीसीज जो होती हैं, आर सेलेक्टेड स्पीसीज जो होती हैं वो सक्सेशन के अर्ली फेज में पाई जाती हैं, और के सेलेक्टेड कहाँ पाई जाती हैं, लेट फेज में, लेट फेज में जो होती हैं, लेट फेज में क्या होती हैं, लेट फेज में जो होती हैं वो कौन सी कम्युनिटी होती हैं, के सेलेक्टेड स्पीसीज होती हैं। इसका मतलब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इस एरिया में के सेलेक्टेड स्पीसीज होती हैं और यहाँ पे कौन होती हैं, आर सेलेक्टेड होती हैं, आर सेलेक्टेड, यानी सक्सेशन के अर्ली फेज में आर सेलेक्टेड स्पीसीज पाई जाती हैं, जो आर सेलेक्टेड स्पीसी जाती है, सक्सेशन के लास्ट स्टेज में जो स्पीसीज पाई जाती है वो कैसी होती है, के सेलेक्टेड होती है। सक्सेशन के अर्ली फेज में जो स्पीसीज पाई जाती है वहाँ पे यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है, यहाँ पे कंपटीशन क्या होता है, कम होता रहता है। इन बातों इन बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से आपने देखा कि एक आपको
एग्जाम्पल मिल गया आपको, आपने देखा कि एडाप्टर टू स्टेबल इन्वायरमेंट्स, जैसा मैंने कहा ना सक्सेशन के लास्ट स्टेज में आप देखेंगे जो लास्ट में फॉरेस्ट बना हुआ है वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा है ना, स्टेबल होता है। और आर सेक्टर कहाँ पर आते हैं, चूँकि रेगिस्तान था, पहला सीड वहाँ उड़ते हुए विंड के द्वारा गया, वहाँ एडाप्ट करेगा, स्ट्रेस फील करेगा, अनस्टेबल इन्वायरमेंट में पहुँचा है, तो आर सेलेक्टेड स्पीसीज कहाँ पाई जाती है, अनस्टेबल इन्वायरमेंट में पाई जाती है। साथ साथ कहा गया है लैटर स्टेज ऑफ सक्सेशन, ये क्या होता है, पॉइनियर्स होती हैं या क्या होती हैं, कोलोनाइजर्स होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। आपको देखिए ये यहाँ पे जो आर सेलेक्टेड स्पीसीज क्या होती हैं, शुरुआत में पाई जाती है, सक्सेशन स्टार्ट करती हैं, तो कैसी होती हैं, कोलोनाइजर्स होती हैं, वो कोलोनाइजर होती हैं, पॉइनियर की पहली बार सक्सेशन स्टार्ट किया, जो सीडलिंग राजस्थान के रेगिस्तान में जाएगा सबसे पहले वहाँ जर्मिनेट करेगा, उस स्ट्रेस कंडीशन में सर्वाइव करेगा, वो कैसा होगा, अगर सर्वाइव कर गया तो स्टार्ट करने वाला हो गया, पॉइनियर है वहाँ पे, उस वेयर एरिया में पहली बार प्लांट ग्रो कर रहा है, दे आर द पॉइनियर्स। तो अर्ली सक्सेशन में क्या होता है, आर सेलेक्टेड होते हैं वो पॉइनियर्स होते हैं। जो लेट सक्सेशन में होते हैं, वो के सेलेक्टेड स्पीसीज होते हैं, वो कैसे होते हैं, के सेलेक्टेड स्पीसीज होते हैं, और इनके क्या होता है, मोस्ट स्टेबल इन्वायरमेंट होता है ऐसे इन्वायरमेंट में, क्योंकि धीरे धीरे क्या करेंगे, राजस्थान में जब जंगल बन जाएगा तो इसका मोस्ट स्टेबल वो जंगल है, तभी तो वहाँ सर्वाइव कर रहा है उस बेयर एरिया में, तो के सेलेक्टेड कहाँ होता है, मोस्ट स्टेबल इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट कलेक्टर कहता है कि नीस स्पेशलिस्ट, नीस जनरलाइज्ड, मैंने आपको बताया था इसके बारे में भी डिटेल से बताया था पिछले लेक्चर्स में बताया था, फिर से मैं स्लाइड को रिपीट करते हुए आगे बढ़ा रहा हूं, कि दो तरह का होता है, एक टर्म होता है हैबिटेट, दूसरा होता है नीस। लेकिन नीस जो नीस होता है उसको निके भी पढ़ते हैं, नीस भी पढ़ते हैं और नीस भी पढ़ते हैं, ये अमेरिकन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज अलग अलग में आप यूज़ करते हैं, डिक्शनरी उठा के देखिए तो आपको पता चलेगा, निस मैं यूज़ कर रहा हूँ। हैबिटेट, हैबिटेट क्या होता है, जो आपका लिविंग प्लेस होता है दैट इज नोन एज द हैबिटेट, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्पीसीज इन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के अंदर जो स्पीसीज जहाँ पाई जाती है, कोई ऑर्गेनिज्म जहाँ पाया जाता है उसका क्या, जो लिविंग हैबिट प्लेस होता है, जो लिविंग प्लेस होता है वही उसका हैबिटेट कहलाता है। अगर आपके लिविंग प्लेस के साथ आपका फंक्शन भी जोड़ दिया जाए, मैं बोल रहा हूँ आप वहाँ रहते हैं, एक लाइन बोला आप इलाहाबाद में रहते हैं, ये बात आपका क्या होगा, ये लिविंग प्लेस हो गया। मैं बोल रहा हूँ इलाहाबाद में आप रहते हैं और आप क्या रहते हैं, कटरा में रहते हैं और आपके पड़ोसी सबका बड़ा ही खराब संबंध है, तो ये क्या हो गया, निस बता दिया। एक तो मैंने आपका लिविंग प्लेस बताया, साथ साथ आपका क्या किया, आपके नाइबर से आपके बगल की इन्वायरमेंटल कंडीशंस को भी बता दिया, आपका फंक्शनल नेचर भी बता दिया कि जहां आप रहते हैं लोगों से जो आपका इंट्रैक्शंस है वो निगेटिव इंट्रैक्शंस है। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन, दैट इज द निश, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज दैट इज द हैबिटेट, यानी जब लिविंग प्लेस के साथ उसका फंक्शनल एक्टिविटी भी जोड़ दिया जाए तो वो निश कहलाता है। केवल लिविंग प्लेस बताया जाए तो क्या है, हैबिटेट। तो कहते हैं निश स्पेशलिस्ट है और निश क्या है, जनरलाइज होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो अर्ली फेज में आया, जो सीडलिंग ग्रो किया, आप देखेंगे जो आर सेलेक्टेड स्पीसीज है, जो आर सेलेक्टेड ये वाला एरिया है आर सेलेक्टेड स्पीसीज है, और ये एरिया क्या है, के सेलेक्टेड स्पीसीज का है। जो और सेलेक्टेड स्पीसीज है ये वाला एरिया है और सेलेक्टेड है, चूंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत स्ट्रेस कंडीशन में है, जो राजस्थान का जो बेयर एरिया है जहाँ कुछ ग्रो नहीं करता, पहली बार कोई सीडलिंग गया और जर्मिनेट करने का प्रयास कर रहा है, तो नो डाउट है कि वहाँ अनस्टेबल इन्वायरमेंट है, साथ साथ क्या है, स्ट्रेस कंडीशंस है। साथ साथ मैंने बताया कि चूंकि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, किसी रेगिस्तान पे जहाँ कोई बसता ही नहीं हो, कोई प्लांट ना हो, वहाँ कोई सीडलिंग ग्रो करना चाह रहा है, तो न्यूट्रिएंट की कमी होगी, नहीं होगी, रिसोर्स की कमी होगी, प्लेस के लिए लड़ाई होगी, रहने के लिए जगह की कमी होगी, सब कुछ फैला हुआ है, सब कुछ है। इसलिए वहाँ पे देखेंगे कि एक बार यहाँ पे क्या होगा, इसका निश, इसके पास सब तरह के न्यूट्रिएंट मिलेंगे। जैसे मैंने कहा कि दो तरह का होता है, एक फैकल्टेटिव नेचर होता है, एक क्या होता है, एक फैकल्टेटिव नेचर होता है, दूसरा नेचर जो होता है वो नेचर ये होता है कि ऑब्लिगेट होता है। जैसे मैंने कहा कि आपके पास एक ही रिसोर्स हो, अब ऑब्लिगेट नेचर क्यों, आप हर्बीवोरस है तो कार्निवोरस नहीं बन सकते हैं। कभी शेर को देखा है, शेर कभी घास खा सकता है, नहीं खा सकता है, कार्निवोरस है, ऑब्लिगेट नेचर का है। और एक ऐसा जानवर हो जो हर्बीवोरस हो सकता है और कार्निवोरस दोनों हो सकता है, तो ज़्यादा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होगा।
तो कहने का मतलब कि जो आर सेलेक्टेड होते हैं, जो आर सेलेक्टेड होते हैं, दे आर द फैकल्टेटिव नेचर होते हैं. फैकल्टेटिव नेचर होते हैं, देखिए वो क्या होते हैं, फैकल्टेटिव नेचर होते हैं. इनके पास क्या रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, इसलिए फैकल्टेटिव नेचर के होते हैं. हर्बीवोरस भी हो सकते हैं, कार्बीवोरस भी हो सकते हैं, दोनों तरह का नेचर सकते हैं. लेकिन जो के सेलेक्टेड स्पीसीज होता है ना, के सेलेक्टेड जो होता है, जो के सेलेक्टेड स्पीसीज होता है, के सेलेक्टेड होता है, जो के सेलेक्टेड स्पीसीज होता है, चूँकि वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है सक्सेशन के लास्ट फेज में. आप जब जहाँ बहुत ज़्यादा संख्या हो, आपको पता है खाना पीना बहुत कम मिलने वाला हो, अगर आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको खाना मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है. आप वहाँ तुरंत जो मिलेगा उसी को खाने का प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं होगा. अगर जहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको क्या होगा, ऑब्लिगेट नेचर रहना पड़ेगा, यानी जो मिलेगा उसी पर जिंदा रहना है. आप सोचिए मल्टीपल च्वाइस मिल जाए, कई तरह के भोजन मिल जाए, तो मिलना मुश्किल है. तो आप ध्यान रखिए, जहाँ कंपटीशन ज़्यादा है वहाँ पर स्पेशलाइजेशन होना चाहिए सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के लिए. जहाँ कंपटीशन कम है, जहाँ पर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, फैकल्टेटिव नेचर का होगा, रिसोर्सेज कई तरीके के हैं, वहाँ पे पास कई ऑप्शन हो सकते हैं. जनरलाइज, आप चाहे हर्बीवोरस रहिए चाहे कार्निवोरस रहिए, आप सर्वाइव कर लेंगे, हर्बीवोरस कार्निवोरस दोनों. लेकिन जहाँ कंपटीशन ज़्यादा है आपको स्पेशलिस्ट होना चाहिए कि आपको किसी एक चीज़ पे डिपेंड रहना, जो मिलेगा उस पे ही सर्वाइव करना है. तो आप ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट बहुत करेक्टर्स है कि आर सेलेक्टेड क्या होता है, के सेलेक्टेड जो आर सेलेक्टेड होते हैं उनका जनरलाइज होता है, दे आर फैकल्टेटिव इन नेचर, और जो के सेलेक्टेड होते हैं वो कैसा होता है, ऑब्लिगेट नेचर के होते हैं, ऑब्लिगेट नेचर के होते हैं. और ये कैसा होता है, फैकल्टेटिव नेचर का होता है, फैकल्टेटिव नेचर का होता है, फैकल्टेटिव. मैंने कहा ये क्या होगा, अगर हर्बीवोरस है तो हर्बीवोरस रहेगा, कार्निवोरस है, ये क्या हर्बीवोरस कार्निवोरस दोनों भी हो सकता है. नेक्स्ट बताया था जल्दी जो कि सिलेक्टेड होते हैं प्रेडेटर नेचर्स के होते हैं, और जो आर सिलेक्टेड क्या होते हैं, प्रे नेचर्स के होते हैं. जैसे इंसेक्ट ज़्यादातर प्रे है, प्रेडेटर का हमला ज़्यादा होता है. ज़्यादातर केस सिलेक्टेड में कौन आते हैं, प्रेडेटर्स होते हैं. चूँकि प्रेडेटर्स होते हैं, पैरेंटल केयर ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होती है इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है, ग्रोथ बेस्ट होती है, इनकी क्या होती है, रिप्रोडक्शन बेस्ट होती है. रेगुलेटेड बाई मेनी एक्सटेंसिव फैक्टर, रेगुलेटेड बाई मेनी इंटेंसिव फैक्टर्स. हाई ट्रैफिक लेवल, मैंने कहा लो ट्रैफिक लेवल, जनरली क्या होता है, आर सेलेक्टेड स्पीसीज क्या होती है, लो ट्रैफिक लेवल में पाई जाती हैं. लो ट्रैफिक लेवल पाई जाती हैं, के सेलेक्टेड स्पीसीज क्या होता है, हाई ट्रैफिक होता है. बेसिकली कार्निवोर्स होते हैं जो हाई ट्रैफिक, जो प्रीडेटर नेचर के होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, टॉप ट्रैफिक लेवल होते हैं. और जो प्रे नेचर के होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, लो ट्रैफिक लेवल पे पाया जाता है. जैसा कि आप नेचर में भी जानते हैं, अगर आप फूड चैन फूड वे पढ़े हो, अगर वहाँ देखें तो ये चीज़ें आपको मिल जाएगी. ये देखिए, आपको थोड़ी सी बात और ध्यान रखना है. मैंने बताया था एक एग्जाम्पल आपको और बताना मुझे पहले है. देखिए मैंने आपको बताया था, देखिए आइटेरोपायरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएसआईआर में क्वेश्चंस आया हुआ है यहाँ से. आइटेरोपायरिटी और सिमलपायरिटी, सिमलपायरिटी का मतलब होता है जो सिंगल इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है. मैंने कहा आइटेरोस्पायरिटी दिखा गया है, आइटेरोपेरस ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये बात समझनी है. आप देखेंगे ये देखिए लिखा गया आइटेरोस्पेरस ऑर्गेनिज्म. देखिए यहाँ पे फिगर्स बनाया गया. आइटेरोस्पेरस ऑर्गेनिज्म इज वन काइंड दैट अंडरगोस मेनी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल. आइटेरोस्पेरस का मतलब क्या होता है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है आइटेरोस्पेरस, ये होता है के सेलेक्टेड स्पीसीज का नेचर. बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. सी एस आई आर में ये क्वेश्चन आया हुआ दो बार, सीएसआईआर में आया हुआ दो बार है. और आप किसी भी एग्जाम, चाहे पीएचडी पीएचडी चाहे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम में 100% चांसेस है ये क्वेश्चन आने का, क्योंकि सीएसआईआर में दो तीन बार आ चुका है. के सेलेक्टेड स्पीसीज, इसका दूसरा मैं कह सकता हूँ, प्लांट्स के अंदर आप देखें तो इसे कहते हैं पॉलीकार्पिक, कार्पिक नेचर, पेरिनियल. तीन टर्म मैंने यूज किया है, पॉलीकार्पिक, पेरिनियल, के सेलेक्टेड स्पीसीज. मतलब कि आइटेरोस्पेरिटी एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है,
एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है कि एनिमल क्या करता है कि आइटेरोपेरस ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कई बार रिप्रोडक्शन साइकिल लाइफ साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे फ्लावर्स जो कई बार फ्लावरिंग करते हैं, कई बार पॉलीकार्पिक, पॉलीकार्पिक मतलब होता है दे प्रोड्यूस मेनी टाइम ऑफ फ्लावर्स, यानी पॉलीकार्पिक नेचर का होता है जो एक बार रिप्रोडक्शन करते हैं, यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, अगली बार फिर रिप्रोडक्शन करते हैं, फिर यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो कई बार रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं, नए यंग ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते रहते हैं, जैसे फ्लावर कई बार फ्लावरिंग रिप्रोडक्टिव फ्लावरिंग कर रहा है, कई बार वो क्या रहा फ्रूट बना रहा है, ऐसे प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कई बार रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें कहते हैं आइटेरोस्पेरस ऑर्गेनिज्म। इस तरह की रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं आइटेरोस्पेरस। जैसे के सिलेक्टेड का ये करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आया, के सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म की ये क्या है पहचान है। आप देखते हैं जो के सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे मैंने ह्यूमन बींग कई बार रिप्रोडक्शन साइकिल में प्रोड्यूस करता है, जितनी बार रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल में इंटर करता है उतनी बार एक वंश प्रोड्यूस करता रहता है। ऐसा नहीं कि एक बार बच्चा पैदा किया और डेथ कर गया। ये है आइटेरोस्पेरस स्पीसीज की पहचान। देखिए आप उसको ध्यान रखिएगा। आइटेरो मीन्स क्या होता है, आइटेरोस्पर्टी कम्स फ्रॉम द लैटिन आइटेरो टू रिपीट। देखिए ध्यान रखिएगा, टू रिपीट प्रायर टू द बिगेट्स, मतलब कई बार रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और रिपीट करते हैं। आइटेरो मीन्स होता है रिपीट करते हैं, हर बार रिप्रोडक्शन में एंट्री करते हैं, यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, जो कई बार प्रोड्यूस करते हैं। इसका एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया कि मैमल्स ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट फिशेस, मोस्ट रेप्टाइल्स, ऑल बर्ड्स, ये सब की तरफ। देखिए मैंने बताया ना जो केस सिलेक्टेड के अंदर जो आते हैं ह्यूमन बींग, बर्ड्स, ये सारे के सारे, मोस्ट फिशेज, ये सब किसके अंदर आती हैं आइटेरो स्पीशीज। तो आपको ध्यान रखना है केस सिलेक्टेड स्पीशीज का ये बहुत यूनिक करेक्टर है कि मेनी टाइम रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, और इसलिए केस सिलेक्टेड का ये करेक्टर आइटेरोस्पेरस हमेशा पूछता है। पॉलीकार्पिक नेचर के होते हैं, कई बार प्लांट फूड पर डेवलप करते रहते हैं। ये पेरिनियल होते हैं, कई साल जिंदा रहते हैं। पेरिनियल एक होता है एनुअल, एक होता है पेरिनियल, जो एक साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ले एनुअल होते हैं। जस्ट अपोजिट में बात करता हूं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लाइड को देखिए आप, सिमल पैरिटी। देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है और यहां से क्वेश्चन आता है सिमल पैरिटी। थोड़ा सा देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिमल पैरिटी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमल पैरिटी क्या कहता है, सिमल पैरिटी ये टर्म भी बहुत आता है, इसलिए मैं आपको बार बता रहा हूं कि आप अगर यहां देखें तो ये क्या है सिमल पैरिटी। सिमल पैरिटी का मतलब होता है सिंगल्स, एस से आप रिमेंबर कर लिए, एस फॉर सिंगल, जिसकी लाइफ साइकिल सिंगल लाइफ साइकिल हो। जैसे इंसेक्ट एक बार मैच्योर होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, उसके बाद डाई कर जाता है, यंग वंस प्रोड्यूस करता है, उसकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है। जो सिंगल रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल में पार्टिसिपेट करता है, सिंगल रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल होता है। सिमल मींस क्या होता है, सिमल सिंगल एंड टाइम एंड प्रायर टू बिगर्स, जो एक ही बार लाइफ साइकिल में इंटर करता है और यंग वंस प्रोड्यूस करता है, उसके बाद डाई करता है। जैसे इंसेक्ट एक बार यंग वंस प्रोड्यूस करता है, डेथ कर जाता है। ऐसे इंसेक्ट जो होते हैं वो आर सिलेक्टेड होते हैं, और आर सिलेक्टेड की स्पीसीज, आर सिलेक्टेड का एक करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमल पैरिटी इन नेचर, यानी सिंगल रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल होते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या है, प्लांट के अंदर होता है मोनोकार्पिक, याद रखिएगा मोनोकार्पिक, कार्पिक फ्रूट, यानी पौधों के अंदर ये करेक्टर, जो आर सिलेक्टेड पौधों की स्पीसीज होती है उनके अंदर आप देखेंगे, जो आर सिलेक्टेड पौधों की स्पीसीज होती है उनके अंदर कैसा होता है, एक बार जो रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल में पार्टिसिपेट करे, एक बार फ्लावर डेवलप करे, वो कैसा होगा प्लांट होगा, आर सेलेक्टेड, या कहते हैं सिमल पेरस रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल वाला प्लांट होता है। इंसेक्ट की लाइफ साइकिल को देखिए, एक बार रिप्रोडक्शन में इंटर करता है, यंग वन प्रोड्यूस करता है, उसके बाद डाई कर जाता है, एक ही सिंगल लाइफ साइकिल, तो सिमल पैरिटी लाइफ साइकिल यूज करता रहता है। तो इस तरह से ये बहुत ही यूनिक करेक्टर है। इसका एग्जाम्पल याद दिया पैसिफिक सोलमोन, ये सोलमोन का नाम ने पढ़ा होगा,
आपने अगर जूलॉजी पढ़ाई की होगी बीएससी ग्रेजुएशन लेवल पे, इसके बारे में पढ़ा होगा माइग्रेशन के टाइम में, तो आप देखेंगे इस तरह से तो सिमिलैरिटी करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और सेलेक्टेड स्पीसीज की पहचान है और आपके एग्जाम में आया हुआ है इसको, ये दो तीन बार आया हुआ है, तो इस करेक्टर को भी आप समझ लीजिए। बहुत सारे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं देखिए, फॉरेस्ट लेपिडोस्टेरॉन्स, इसके बाद दिया गया है इंसेक्ट, सभी में देखिए थायरोडॉक्सिन सब दिया है पूरे के पूरे। इधर देखिए आपको दिया है पैसिफिक सॉल्मोन, इसके अंदर ये पाया जाता है, स्लाइड को देख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ CSIR में है। अब देखिए अब यहाँ पे दो ग्राफ है ग्रोथ बेस्ड का, बहुत इंपॉर्टेंट है आर सिलेक्टेड और के थ्रेटेड स्पीसीज है। चूंकि पॉपुलेशन इकोलॉजी मैंने अभी आपको बताया नहीं है, मैं अगले वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो एक आएगा मेरा पॉपुलेशन इकोलॉजी में आपको पढ़ाऊंगा। जब मैं पॉपुलेशन इकोलॉजी की बात करूंगा तो आपने चाहे ग्रेजुएट लेवल पे जहां भी आपने बायोलॉजी पढ़ाई की होगी तो आप इतना पता है कि दो तरह का ग्रोथ कर्व होता है, एक सिग्मॉइड शेप ग्रोथ होता है एक जे शेप ग्रोथ होता है, ग्रोथ विद इन लिमिट ग्रोथ विदाउट लिमिट। जो ग्रोथ विद इन लिमिट होता है एक निश्चित समय में एक लिमिटेड एरिया रिसोर्स पे होता है उसे कहते हैं सिग्मॉइड ग्रोथ। ग्रोथ विदाउट लिमिट जहाँ रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो ग्रोथ कंटिन्यू चलती रहे उसे कहते हैं जे शेप ग्रोथ। जहाँ रिसोर्स क्या हो एक समय ज़्यादा हो बाद में धीरे धीरे घटते घटते क्या हो जाए लिमिटेड हो जाए, जहाँ रिसोर्सेज लिमिटेड होता है वहाँ पे क्या हो जाता है सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व चलता रहता है। तो दो तरह का ग्रोथ कर्व होता है, एक आपका होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आता है, ये आर सेलेक्टेड स्पीसीज की पहचान है आर सेलेक्टेड स्पीसीज, और ये क्या होता है के सेलेक्टेड है स्पीसीज का ग्रोथ कर्व होता है। देखिए ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया आपके एग्जाम में आता ही रहता है, आपको ध्यान रखना है कि आर सेलेक्टेड स्पीसीज क्या होता है, आर सेलेक्टेड स्पीसीज क्या होता है उनकी लाइफ साइकिल को आप देखिए। आर सेलेक्टेड स्पीसीज का लाइन देखिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको अच्छे से देखिए, जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में आप दीजिए, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा, अगर आपको कोई भी डाउट्स हो जरूर पूछें। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, देखिए आपको मैं जो बता रहा था आर सेलेक्टेड और के सेलेक्टेड स्पीसीज की बात कर रहा था, तो मैंने बताया कि आर सेलेक्टेड, देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सक्सेशन के अर्ली फेज में कौन आता है आर सेलेक्टेड स्पीसीज आता है, सक्सेशन के अर्ली फेज में कौन आता है आर सेलेक्टेड स्पीसीज आता है, और ये आर सेलेक्टेड स्पीसीज जो होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं सक्सेशन के अर्ली फेज में आते हैं। जैसे राजस्थान के रेगिस्तान का एग्जाम्पल मैंने लिया, एक बेयर एरिया जो सीडलिंग गया जर्मिनेट किया, स्ट्रेस कंडीशन थी पूरा एडवर्स कंडीशन था, वहाँ सर्वाइव करने का प्रयास किया था, लेकिन आप देखिए अगर एक बार वो स्ट्रेस कंडीशन में सर्वाइव कर गया, सर्वाइव किया और सीडलिंग जर्मिनेट करने लगा और रेनफॉल बारिश हो गई और वहाँ पे चूंकि न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा है रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है बट केवल एडवर्स कंडीशन थी, एडाप्ट कर गया, एडवर्स कंडीशन में एडाप्ट कर गया, अब वो अपनी ग्रोथ को क्या करेगा बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा, बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा क्योंकि रिसोर्सेज क्या होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सक्सेशन के अर्ली फेज में अगर आप देखें, सक्सेशन के अर्ली फेज में देखें तो आप देखेंगे इस सक्सेशन के अर्ली फेज में क्या होता है रिसोर्स क्या होते हैं रिसोर्स अनलिमिटेड होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दो, चंद्रमा पे आपको पहली बार आपको अकेले पहुंच जाइए तो वहाँ पे सब कुछ आप ही का, आप वहाँ पहुँच गए सारे रिसोर्स आपके हो गए, आप चाहे वहाँ घूमिए चाहे खाइए फिरिए जितना जमीन एरिया कब्जा करना चाहे कब्जा, खुश हो जाएंगे आपको अकेला रहेगा, तो आप उस टाइम में जो आपका ग्रोथ कर्व होगा वो जे शेप्ड होगा क्योंकि आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको कोई भी रिसोर्स की कमी नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आप सोचिए वहाँ सभी देश के कंट्री की पॉपुलेशन पहुँच जाए, पृथ्वी जैसा इन्वायरमेंट वहाँ पर हो जाए उस चंद्रमा पे, सब लोग एकदम भगदड़ हो जाए, रहने के लिए भी लड़ाई करना है, खाने के लिए भी लड़ाई करना है, एडजस्ट करने के लिए भी, हर काम के लिए आपको कंपटीशन फील करना है, तो इसका मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा संख्या हो गया, तो लेट फेज का है जब बहुत ज़्यादा संख्या हो जाए, जैसे ये अर्ली फेज है, एक दो प्लांट ग्रो कर रहे हैं जो सीडलिंग जर्मिनेट कर रहा है, हर्स केवल पाए जाते हैं, एक कंडीशन ऐसी है कि हर्स भी पाया जा रहा है श्रब्स भी पाया जा रहा है और ट्री भी पाया जा रहा है, सब के सब पाया जा रहा है। ये एरिया जो आपका ना मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, जो सक्सेशन का लेट फेज होता है जहाँ फॉरेस्ट कंडीशन होती है क्लाइमेट कम्युनिटी होती है, तो वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है,
क्योंकि हर चीज़ के लिए आपको कंपटीशन करना है। जैसे मैंने कहा आज पॉपुलेटेड एरिया में चले जाइए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक ऐसा एरिया चले हिमालय चले जाइए, कोई रहने ही वाला नहीं है, तो वहाँ आपको स्पेस की कमी होगी, फूड की कमी होगी खाने के लिए। लेकिन आप इलाहाबाद में आ जाइए, इलाहाबाद में आपको खाने के लिए भी सोचना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, रहने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे सर्वाइवल फिटनेस के लिए पैसा चाहिए। दो एरिया देखिए, एक अर्ली फेज है, मैंने कहा एकदम फ्री एरिया जहाँ न्यूट्रिएंट रिच है, कोई कंपटीशन नहीं है, हिमालयन रीजन है। एक इलाहाबाद का एरिया है, मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है, जहाँ एकदम ये समझिए लेट फेज है सक्सेशन का, वो अर्ली फेज है जहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आप देखेंगे जहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं कंपटीशन कम होता है, न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे ग्रोथ शेप जो होता है, ग्रोथ कर्व कैसा होता है, जे शेप ग्रोथ कर्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ कर्व कैसा होता है, आर सेलेक्टेड का जे। यहाँ पे देखेंगे ग्रोथ लगातार पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज करेंगे, पॉपुलेशन क्रैश नहीं होगा। तो ये कौन कहलाता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसे कहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ विदाउट लिमिट, जहाँ पे न्यूट्रिएंट की कमी नहीं हो रही, लगातार ग्रोथ होती रहती है। केस सिलेक्टेड की स्पीसीज में क्या होता है, चूंकि सक्सेशन के लेट फेज में आते हैं, जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तब किसी को भेज दिया जाए तो उसको भी संघर्ष करना पड़ेगा। तो केस सिलेक्टेड स्पीसीज में क्या होता है, चूंकि रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं, ग्रोथ विद इन लिमिट होती है, तो उसके बाद क्या होता है, उनका ग्रोथ कर्व क्या होता है, सिग्मोइड से हो जाता है, सिग्मोइड से हो जाता है। इसमें आपने पढ़ा होगा सिग्मोइड ग्रोथ कर्व में तीन फेज होती हैं, एक आपका होता है देखिए लैग फेज, एक लॉग फेज, एक होता है स्टडी फेज, एक लैग लॉग है स्टडी फेज होता है। जो आप देखेंगे ग्रोथ कर्व पे देखेंगे शुरुआत में क्या एडजस्टेबल फेज होती है, फिर क्या होती है नंबर ऑफ इंक्रीज, जब एडजस्ट कर जाता है नंबर ऑफ इंक्रीज बहुत ज़्यादा करता है, फिर लास्ट में क्या होता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, रिसोर्स लिमिटेड हो जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है ओके सिलेक्टेड स्पीसीज क्या होता है। इसीलिए कहते हैं कि अर्ली फेज एडजस्टेबल फेज होती है, मिड फेज क्या होती है ग्रोथ फेज होती है, और लेट फेज में रिसोर्स क्या होता है कम हो जाता है। अगर किसी नए एरिया में जाएंगे, किसी नए सक्सेशन को स्टार्ट करेंगे, तो शुरुआत में कौन आएगा, रिसोर्स चूंकि बहुत ज़्यादा होगा, रिसोर्स बहुत ज़्यादा होगा, टाइम क्या हो रहा है बताइएगा, तो टाइम सॉरी देखिए रिसोर्स चूंकि बहुत ज़्यादा होंगे, आपको पता ना रिसोर्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा शुरुआत में होते हैं, उस टाइम आप जैसे राजस्थान का रेगिस्तान है, वहाँ एडजस्टेबल फेज, पहला जो सीडलिंग गया वहाँ पे अर्ली फेज में, वहाँ पे ने आपको एडजस्ट किया, एनवायरनमेंट बड़ा एडवर्स कंडीशन था, हाई टेम्परेचर था, रेनफॉल बारिश हो नहीं रही थी, सब कुछ रेतीला इलाका था, तो पता चला कि बारिश हो गई, वो सीड जर्मिनेट कर गया उस रेगिस्तान में, वो क्या किया सर्वाइव किया अर्ली फेज में, और सर्वाइव करके क्या कर रहा है अपनी आपकी, जब वो एडजस्ट कर लिया तो सीड जर्मिनेट कर गया, फिर वो सीड क्या करेगा रिप्रोडक्शंस करेगा, उसके बाद क्या करेगा नए प्लांट डेवलप करेगा, फिर इस तरह से कई प्लांट डेवलप हो जाएंगे। तो जब वो एडजस्ट हो गया तो दूसरा फेज क्या करता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल को बढ़ाता रहता है। एक समय बाद क्या हुआ इतना प्लांट हो जाएगा पूरा फॉरेस्ट डेवलप हो जाएगा वहाँ पे। जब फॉरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो लेट फेज हो जाएगा, उस टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना है, एक बात और आपको ध्यान रखना है कि इस ग्रोथ कर्व को देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, इसमें देखेंगे केस सिलेक्टेड स्पीसीज और सिलेक्टेड का, कहते हैं किसी भी सक्सेशन की जो अर्ली फेज होती है ना, शुरुआत में जो फेज होती है दैट इज और सिलेक्टेड स्पीसीज होती है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो होता है ये जो शुरुआत की फेज होती है ना, ये फेज और एक दूसरी ये फेज होता है, देखिए ये लैग फेज है, ये लॉग फेज है, और ये क्या होता है स्टडी फेज होता है, स्टडी फेज होता है, लैग लॉग स्टडी फेज होता है, ये सिग्मोइड सेट ग्रोथ कर्व की पहचान है। आप देखते हैं कि शुरुआत में किसी भी शुरुआत में चूंकि रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, बेयर एरिया है, रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा है, जब एक बार सीडलिंग एडजस्ट कर गया राजस्थान के रेगिस्तान में तो बहुत तेज़ी से अपनी संख्या बढ़ाता है, हाँ उसके बाद सरब आते हैं, तो शुरुआत में किसी भी सक्सेशन के अर्ली स्टेज में कौन पाया जाता है आर सिलेक्टेड स्पीसीज पाई जाती है, और जो लेट फेज होता है जब कॉम्प्लेक्स फॉरेस्ट बन जाता है, जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा आता है तो वहाँ पे कौन सी स्पीसीज आती है केस सिलेक्टेड स्पीसीज आती है। तो आप ध्यान रखिएगा जो ग्रोथ कर्व होता है ना सिग्मोइड ग्रोथ कर्व होता है का जो अर्ली फेज होता है, जो सिग्मोइड ग्रोथ कर्व का अर्ली फेज होता है उसमें आर सिलेक्टेड पाई जाती है, और जो लेट फेज होता है वहाँ पे केस सिलेक्टेड स्पीसीज पाई जाती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। मैं आगे डिटेल चर्चा करूँगा, चूँकि एक अलग टॉपिक है आपका कि
कि सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व क्या होता है, जेड ग्रोथ कर्व क्या होता है, उसको मैं अलग टॉपिक में आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी मैं आपको बात कर रहा हूं जो इसमें है कि आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड की बात कर रहा हूं। अभी देखिए एक पॉइंट अब आपको समझना है, आपको एक पॉइंट और समझना यहाँ पे है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस की है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, यहाँ टाइप वन सर्वाइवरशिप कर्व की बात करते हैं। सर्वाइवरशिप कर्व की हम बात करते हैं, आप देखते हैं सर्वाइवरशिप कर्व की जब हम बात करते हैं तो आप पाते क्या है कि आर सेलेक्टेड स्पीसीज में और के सेलेक्टेड स्पीसीज का सर्वाइवरशिप कर्व कैसा होता है। ये भी CSIR में क्वेश्चन बहुत हिट क्वेश्चन है, 2-3 बार आया हुआ है TGT PGT में, मेडिकल नीट में, जो भी एग्जाम है आप देखेंगे ये करेक्टर जरूर से जरूर पूछ लेता है। थोड़ा समझेंगे आप इसको। टाइप वन मैंने आपको बताया था जो टाइप वन ग्रोथ कर्व होता है, जो टाइप वन ग्रोथ कर्व होता है, जो सर्वाइवरशिप कर्व का मतलब क्या होता है यहाँ पे हमको देखना होता है। सर्वाइवरशिप कर्व कि जीन नाम तो सर्वाइवरशिप कर्व कितना जिंदा रहते हैं, मैंने एक व्यक्ति की लाइफ साइकिल, ह्यूमन की लाइफ साइकिल देखिए, बच्चा पैदा होता है, मैच्योर होता है, फिर ओल्ड स्टेज में आता है। तो पहले क्या होता था, पहले क्या होता था कि जब हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती थी, गांव-गांव तक डिस्पेंसरी नहीं हुआ करती थी, डॉक्टर नहीं हुआ करता था, तो जो बच्चा 100 बच्चे पैदा होते थे तो कहते थे कि 30 बच्चे एक्सपायर कर जाते थे, एक्सपायर कर, क्योंकि ड्यू टू द लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज रिसोर्सेज की कमी थी, तो कहते थे कि बच्चे पैदा हो रहे हैं तो डेथ कर जाते थे। आज की कंडीशन अगर आप देखें तो आज कहते हैं अगर 100 बच्चा पैदा हो रहा है तो 95 बच्चों को आज हमारी मेडिकल फैसिलिटी इतनी ज़्यादा है, आज इतनी ज़्यादा सक्सेस है मेडिकल सेक्टर्स कि सारे बच्चों को बचा लेता है, मैक्सिमम उनको कोई प्रॉब्लम हो उनको तुरंत बचाने का प्रयास करता है, और 80-90% कहते हैं बच्चे को सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ज़्यादा होता है। यही कारण है कि आज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आज बर्थ रेट क्या है हाई है, डेथ रेट क्या है कम है, जिस वजह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ऐसे ही क्या कारण है कि पहले हमारी मेडिकल फैसिलिटीज कम थी, अब मेडिकल फैसिलिटीज ज़्यादा हो गई। आपको यहाँ एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये टाइप वन जो आपका सर्वाइवरशिप कर्व है इसमें ये दिखाने का प्रयास किया गया है, टाइप वन मैन है ये केस सिलेक्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका सर्वाइवरशिप कर्व कैसा होता है। टाइप वन टाइप आपका सर्वाइवरशिप कर्व किसका होता है, केस सिलेक्टेड का होता है। दूसरा मैंने बताया ऑस्टर या इंसेक्ट कैसा होता है, आर सिलेक्टेड होता है, यानी आर सिलेक्टेड का जो सर्वाइवरशिप कर्व क्या होता है वो टाइप 3 टाइप का होता है, और के सेक्टर क्या होता है टाइप 1 का होता है। थोड़ा सा इसको मैं समझा देता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों कि जैसे मैंने आपको बताया कि टाइप 1 को अगर आप देखिए यहाँ पे देखिए ये इधर लिखा गया है फ्रैक्शन, देखिए लिखा गया है फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइविंग, इधर सर्वाइविंग रेट है, इधर एज ऑफ द ऑर्गेनिज्म दिखाया गया है कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे इनके पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आप देखेंगे ऑर्गेनिज्म का कि देखिए यहाँ फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल में एक तरफ क्या कितने लोग जिंदा हैं, एक तरफ का एज के साथ में दिया हुआ है। अगर मैं इसको आपको समझाऊं, आप इस ग्रोथ कर्व में देखिए आप कि ये ऐसे घूम रहा है ऐसे, जैसे मैं आपको इस एग्जांपल से और समझाता हूँ, थोड़ी सी बहुत इंपॉर्टेंट चुकी है इस सेक्शन को, क्योंकि एक्चुअली आपको पॉपुलेशन इकोलॉजी मैंने पढ़ाया नहीं है, जब पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ाऊंगा ना तो एज स्ट्रक्चर सर्वाइवरशिप कर्व और उसके बाद आपको सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व क्या होता है, जे शेप ग्रोथ कर्व होता है, चूंकि इस टॉपिक में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा पॉपुलेशन इकोलॉजी में, चूंकि मैं आर सेलेक्टेड के सेलेक्टेड बढ़ा रहा हूँ, चूंकि यहाँ पर बहुत डिटेल नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपको मैं एक बार आउटलाइन दे रहा हूँ, जब मैं लेक्चर्स पे आऊँगा उन लेक्चरों पे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ सिर्फ आपको ये रिमेंबर कर लेना है कि आर सेलेक्टेड स्पीसीज का जो सर्वाइवरशिप कर्व होता है वो टाइप आर सेलेक्टेड का क्या होता है टाइप 3 होता है, और के सेलेक्टेड का क्या होता है टाइप 1 का होता है। थोड़ी सी मैं बता देता हूँ, अगर आप देखो आप लोग देखिए तो आप पाएंगे क्या कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए एज इन बढ़ रही, इधर एज बढ़ रही है, इधर नंबर ऑफ इंडिविजुअल को मैं देख रहा हूं, इंडिविजुअल नंबर ऑफ इंडिविजुअल को मैं इधर ले लिया हूं। अगर आप देखेंगे मैं बोल रहा हूं 10, 100, 1000 इधर सर्वाइवल है कहते हैं, और इधर मैं बोल रहा हूँ 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल
60 साल, 70 साल, 80 साल, जितना उम्र बढ़ाए, जैसे एज टाइम बढ़ेगा, एज टाइम बढ़ेगा, आपको पता है ना, ह्यूमन की लाइफ साइकिल में देखा गया, ह्यूमन की लाइफ साइकिल में देखा गया तो कहते हैं कि इसकी लाइफ साइकिल में, उनकी लाइफ साइकिल में कहते हैं कि कुछ ऐसा चलता है, इस तरह का इनका ग्रोथ कर्व होता है। कारण क्या है, ये मैंने आपको ग्रोथ कर पढ़ा है कि जब इधर देखिए नंबर आप किस 10 व्यक्ति है, 100 व्यक्ति है, 1000 व्यक्ति, और उनकी उम्र में हमने 10 साल देखा, 20 साल, जैसे लाइफ साइकिल 10 साल होगी, 20 साल होगी, 30 साल होगी, 40 साल होगी, 50 साल होगी, आप देखेंगे 50 साल के बाद धीरे धीरे क्या होता है, लोगों को डिजीज होने लगती है, प्रॉब्लम होने लगती है, कोई बीपी का होगा, डायबिटीज़ का कोई पेशेंट था, धीरे धीरे उसकी लाइफ साइकिल में पेशेंट बनता जाएगा और उसकी डेथ रेट की तरफ बढ़ेगा। शुरुआत में क्या होता है, कारण क्या होता है, चूंकि मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा आज हो गई है तो जो भी बच्चा पैदा होता है उसके सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ज़्यादा होते रहते हैं। तो आप देखेंगे इनकी ग्राफ में परिवर्तन बहुत कम हो रहा है, सर्वाइवल मतलब 10 साल में देखिए 1000 लोग जिंदा है, अगर मैं इस लाइन को यहाँ से खींचूं, 20 साल में देखिए तब भी 1000 लोग हमको जिंदा दिख रहे हैं, 30 साल में देखिए तब भी आपको जिंदा दिख रहे हैं, 40 साल में देखिए तब भी लोगों का थोड़ा बहुत, किसी को बीमारी हो गया, किसी को प्रेसेंट हो गया तो डेथ हो सकता है। इसके बाद धीरे धीरे आप देखते हैं 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, इस तरह से देखेंगे कि धीरे धीरे क्या होता है, 1000, 100, फिर धीरे धीरे क्या होगा, जैसे उम्र बढ़ेगी नेचुरल डेथ होगी, लोगों को डिजीज होगी और बीमार के, तो इनकी जो डेथ रेट आप देखते हैं कि क्या होता है, धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसे कहते हैं, या इसको कहते हैं क्या कहते हैं, देखिए ये इस तरह से होता है, कॉनवेक्स टाइप होता है, कैसा होता है, कॉनवेक्स टाइप होता है, कॉनवेक्स टाइप होता है, इसका मतलब देखिए कहना क्या चाह रहा है कि इस तरह का सर्वाइवरशिप जो कर्व पाया जाता है, इस तरह का जो सर्वाइवरशिप कर्व पाया जाता है, इस तरह से जो सर्वाइवरशिप कर्व जिसकी लाइफ साइकिल में पाया जाता है उसे कहते हैं कॉनवेक्स टाइप, कॉनवेक्स टाइप। और कॉनवेक्स टाइप का जो सर्वाइवरशिप कर्व होता है इसे कहते हैं टाइप फर्स्ट होता है, टाइप फर्स्ट होता है। और किसकी पहचान है, के सिलेक्टेड स्पीसीज की पहचान है, के सिलेक्टेड स्पीसीज की पहचान है, के सिलेक्टेड स्पीसीज की ये पहचान है। और आप देखेंगे और के सिलेक्टेड में कौन आता है, ह्यूमन, ह्यूमन, ह्यूमन का एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, एग्जाम्पल बताया ना कि इस तरह क्यों दिखता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, चूंकि बर्थ रेट तो होता ही हुआ कम तो होता है, ह्यूमन बींग है, पैरेंटल केयर ज़्यादा होता है, ग्रोथ बेस्ड की लाइफ साइकिल है तो बर्थ रेट का, लेकिन की मॉर्टलिटी रेट शुरुआत में क्या होती है, बहुत कम होती है, धीरे धीरे लास्ट में 50 साल के बाद जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो व्यक्ति की स्वाभाविक सी बात है किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होता है, तब जाके उसका डेथ रेट बढ़ता है। इसका मतलब अर्ली फेज में जो होता है केस सिलेक्टेड की लाइफ साइकिल में क्या होता है, अर्ली फेज में क्या होता है कि अर्ली फेज में क्या होता है, जो मॉर्टलिटी रेट है, डेथ रेट क्या होती है, कम होती है, डेथ रेट कम होती है, लेकिन विथ मैच्योरिटी बाद में क्या होती है, डेथ रेट बढ़ती रहती है जब बीमारी आती है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। दूसरा एग्जांपल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आर सिलेक्टेड स्पीसीज की बात करें, आर सिलेक्टेड स्पीसीज की बात करें, आर सिलेक्टेड स्पीसीज का ग्रोथ कर्व आप देखेंगे ये इस तरह का होता है, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट आर सिलेक्टेड स्पीसीज का होता है। क्यों, मैंने बोला कि 1000, 100, 10 और यहां 1 month, 2nd month, 3rd month, इनकी लाइफ साइकिल को देखेंगे, चूंकि इंसेक्ट की लाइफ साइकिल ये क्या है, और सिलेक्टेड है इंसेक्ट, इनकी लाइफ साइकिल में देखेंगे पहले ये, कहा क्या रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। मैंने कहा आर सिलेक्टेड, क्योंकि आर सिलेक्टेड में कौन आता है, इंसेक्ट का एग्जाम्पल, इंसेक्ट की लाइफ साइकिल में किस किसी कमी होती है, पैरेंटल केयर की, वो 1000 एग्स प्रोड्यूस किया और वहां से दूर चला गया तो उसके ऊपर प्रेडेटर का हमला होगा, क्योंकि कोई नहीं वहाँ पे, कोई भी प्रेडेटर उसको नेचर में छोड़ दिया है, एडवर्स कंडीशन आए, हाई टेम्परेचर आए, लो टेम्परेचर आए, कोल्ड कंडीशन आए, कोई प्रेडेटर आ जाए, कोई सुरक्षा करने वाला नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो जो एक्स प्रोड्यूस हुआ है उसका पैरेंटल केयर कोई नहीं है,
जब नहीं इस कंडीशन में उसके पास कोई नहीं है तो उसकी बात क्या होगी, उसकी मॉर्टलिटी रेट ज्यादा, प्रीडेटर आया बहुत लोगों को खा गया तो डेथ हो गई। मैं इसका मतलब क्या है कि और देखिए यहाँ पे 1000 एग्स थे, यंग वंस थे, ऑफ स्प्रिंग थे 1000 थे, फिर यहाँ 100 है, फिर 10 है। हमने पहले मंथ, दूसरे मंथ, तीसरे मंथ की लाइफ साइकिल को जब स्टडी किया है विथ एज के साथ, हमने टाइम के साथ बढ़ाया तो देखा गया कि जैसे स्टार्टिंग में 1000 एग्स प्रोड्यूस किया, आप स्प्रिंग प्रोड्यूस किया और वहाँ से दूर चला गया, पैरेंटल केयर का अभाव हुआ, कोई प्रीडेटर आया और पता चला कि बहुत लोगों को खा गया। एकाएक इनकी लाइफ साइकिल में हाई मॉर्टलिटी रेट है, हाई मॉर्टलिटी रेट है इनकी लाइफ साइकिल में। क्या हो रहा है, मॉर्टलिटी रेट बहुत हाई है। पता चला कि एक मंथ हुआ नहीं, जीरो से एक मंथ आया नहीं, पता चला 1000 से घट के कितना आ गए, 100 आ गए और देखा दूसरे मंथ तक आगे कितना हो गए, 10 हो गए। ये 10 यानी प्रेडेटर आया, हमला किया और पता चला कि 1000 में से 900 लोग को खा गया, 10 लोग बचे, 100 लोग बचे। कुछ देर बाद क्या हुआ, और खा गया, लास्ट में जिसको छोड़ गया, जो छोड़ गया वो बचे कितने, 10। यही 10 क्या करते हैं, फिर से पॉपुलेशन को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो आपने देखा कि जो आर सेलेक्टेड स्पीसीज होते हैं उनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, आर सेलेक्टेड लाइफ, उनकी लाइफ साइकिल में हाई मॉर्टलिटी रेट होती है, के सेलेक्टेड में क्या होती है, लो मॉर्टलिटी रेट होती है। हाई जो आर सेलेक्टेड होते हैं उनका ग्रोथ कर्व कैसा होता है, कॉनकेव टाइप होता है। इसे कहते हैं टाइप थर्ड, सर्वाइवोसिप कर कहलाता है। तो आपको ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आज मैं इतना ही पढ़ूंगा। अब अगर आप देखें, बहुत सारी मुझे बातें बतानी है आपको, है ये तो मैंने आपको बता दिया, चूंकि आज ये हो गई आर सेलेक्टेड और केस सेलेक्टेड कुछ स्पेसिफिक करेक्टर्स है। अब अगले वीडियोस के अंदर, आज की क्लास इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊँगा तो अलग से आर सेलेक्टेड केस सेलेक्टेड की बात बनाऊँगा, ग्रीम्स ट्राइंगल मॉडल। ग्रीम्स साहब ने क्या बताया था ट्राइंगल मॉडल में, क्या क्या करेक्टर्स थे, स्ट्रेस टॉलरेंस स्पीसीज क्या होती है, रूडल स्पीसीज क्या होती है, इसके बाद आपका जो होती है मोस्ट स्टेबल स्पीसीज जो होती है उनके बारे में हम बताएंगे कि कंपटीशन स्पीसीज क्या होती है, ट्राइंगल मॉडल क्या होता है। CSIR में 2-3 बार क्वेश्चंस आया हुआ है, आपको मैं डिटेल से चर्चा करूंगा। आज के लेक्चर यहीं ख़त्म करता हूं कि और आपको थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ डॉक्टर ब्रिज।